नमस्कार दोस्तों, जापान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ जाना वाकई एक अलग अनुभव हो सकता है। आप सबको पता ही होगा कि जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा जापान ने बनाया हुआ है। जापान में क्वालिटी वर्क में सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। दोस्तों, जापान सिर्फ बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के लिए फेमस नहीं है, बल्कि ऐसी और कई चीजें हैं जो जापान को दुनिया के दूसरे देशों से अलग बनाता है। चलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में दिखाते हैं। नंबर एक, इंटरनेट। कहा जाता है कि जापान में लाइट की स्पीड से भी तेज वाला इंटरनेट मिलता है। इसी वजह से जापान में ज्यादातर काम ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन की स्पीड पलक झपकने जितनी है। जापान बहुत सारी लेटेस्ट और डेवलप टेक्नोलॉजी से लैस देश है। जापान में इंसान से ज्यादा तो मशीनें पावरफुल है। जापान में बुलेट ट्रेन की सर्विस का मतलब ट्रेन नहीं बल्कि स्पीड है। नंबर दो, काम के दौरान सोने की आजादी। टेक्नोलॉजी हो या लाइफस्टाइल, इन सब में जापान सबसे आगे ही है। जापान के लोगों का मानना है कि रिलैक्स होकर काम करने से क्वालिटी वर्क मिलता है, तो वहाँ काम करने के दौरान आराम करने के लिए किसी रेस्ट रूम में जाने की जरूरत नहीं है। आराम से कुर्सी पर बैठकर या सीट पर हेयर डाउन करके रेस्ट किया जा सकता है। वहाँ इसके लिए डांट पड़ने और नौकरी से निकलने का डर नहीं होता। नंबर तीन, स्क्वेयर तरबूज। दोस्तों, ये थोड़ा सुनने में अजीब तो लग रहा है, पर यह सच है। जापान में तरबूज गोल नहीं है, स्क्वेयर होते हैं। जापान के किसानों ने अपने आइडिया और एक्सपेरिमेंट से ऐसा हाइब्रिड तरबूज नए आकार में बनाया है। जापान में किसानों के पास खेती करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो उन्हें ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का मौका देती है। ये स्क्वेयर तरबूज स्वाद में बिल्कुल इंडियन तरबूज की तरह ही मीठा होता है। ये स्क्वेयर तरबूज घरों में सजावट के काम में भी आता है। नंबर चार, साफ सुथरा खानपान। दोस्तों, जापान साफ सफाई के मामले में भी पीछे नहीं है। जापान में खाने से पहले और बाद हाथों को साफ करने के लिए सूखे और चमकदार तेलिय होते हैं। जापानी लोग हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखते हैं। ग्रीन टी उनके हर मील का हिस्सा होता है और यही वजह है कि वो यंग और ग्लोइंग नजर आते हैं। नंबर पांच, साइबर कैफे में भी रहते हैं लोग। जापान में मैकडी रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि लोग यहाँ साइबर कैफे में भी सोते हैं। यहाँ साइबर कैफे में रहना किराए पर घर लेने से भी काफी सस्ता पड़ता है। इसी वजह से यहाँ के साइबर कैफे में भी डे नाइट पैकेज देते है। नेट कैफे में बड़े बड़े कैबिन बने होते है। इसमें इतनी जगह तो होती ही है कि जहाँ एक इंसान सो सकता है। नंबर छह, यहाँ जानवर भी दोस्त है। दुनिया की भागदौड़, बिजी लाइफस्टाइल और टेंशन को दूर करने के लिए यहाँ ऐसे कैफे बने हुए हैं, जिनमें कई प्रकार के जानवर मिलते हैं। उनके साथ आप खेल सकते हैं और समय बिता सकते हैं। ऐसे कैफे में थकान दूर करने के लिए कोई भी आ सकता है। नंबर सात, 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं लोग। जापान में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यहाँ 50,000 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। नंबर आठ, ट्रांसपेरेंट कोका कोला। दोस्तों, आपने भारत में काले रंग की कोका कोला देखी होगी, लेकिन जापान में कोका कोला बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। ये जापान में मिलने वाली ट्रांसपेरेंट कोका कोला को क्लियर कोका कोला कहते हैं। नंबर नौ, दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी। दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी कोंगो घूमी है। जापान की यह कंस्ट्रक्शन कंपनी करीब 1400 साल पुरानी थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस कंपनी की शुरुआत 576 एडी में हुई थी। यह कंपनी 2006 में बंद हुई है। नंबर 10, यहाँ सेलिब्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, बर्थडे, नई नौकरी, एनिवर्सरी, ऐसी कोई भी पार्टी आप जापान के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। जापान में कई तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जापान को दूसरे देश से अलग बनाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, कमेंट के जरिए आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।